दोस्तों हरियाणा भर्ती बिग अपडेट 2022। दोस्तों हरियाणा में 50,000 नौकरियों का पिटारा जो है वो कब तक खुलेगा और किस विभाग में कितने पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है और कब तक ये भर्तियां करवाई जाएंगी। तो दोस्तों इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें क्योंकि HSC से जुड़ी सभी सब्जेक्ट की PDF फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखी हैं, वहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप इस कटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा में 50,000 भर्तियों का जो पिटारा है वो कब तक खोला जाएगा, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और HSC ने पीछे भी काफ़ी भर्तियों को रद्द कर दिया था इस कारण कि भाई ये सभी भर्तियाँ जो हैं वो CET के अकॉर्डिंग करवाई जाएंगी। और अब तो दोस्तों CET का ऑफिशियली जो नोटिस है वो भी जारी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी उसमें दी गई है क्या आपका सब्जेक्ट पैटर्न रहने वाला है और किस प्रकार से आपके जो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के नंबर हैं वो जोड़े जाएंगे और कितने अंक आपने CET को पास करने के लिए लेने हैं। तो अब ये देख लेते हैं दोस्तों, 2.5 साल बाद भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का फाइनल स्वरूप अधिसूचित जारी हो चुका है, लेकिन गलियारे में चर्चा कि अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 50,000 पदों पर भर्तियाँ करवाई जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये भर्तियाँ करनी है, आयोग को CET पॉलिसी का इंतजार था, CET नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाना है, NTA के द्वारा आपका CET का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। गलियारे में चर्चा है कि CET के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो पेपर लेगा उसमें न तो पेपर लीक होने की कोई संभावना बचेगी और न ही एक से ज़्यादा पेपर लेने की आवश्यकता होगी, परिणाम भी जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग CET होगा। शिक्षकों की भर्ती जो है आपकी CET के अकॉर्डिंग नहीं करवाई जाएगी, मगर HTET इसमें ज़रूरी होगा। तकनीकी पदों के लिए भी CET के बाद ही परीक्षा लेना होगा। और दोस्तों हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो पहले जब CET का ऑफिशियली एक नोटिस जारी किया गया था तो उस समय बताया गया था कि भाई टीचर्स की भर्ती और जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो CET में शामिल नहीं की गई, लेकिन अब ये जो ऑफिशियली नोटिस नया जारी किया गया है CET का, इसमें ये बोला गया है कि हरियाणा पुलिस से जुड़ी सभी भर्तियां जो हैं वो CET के अकॉर्डिंग ही करवाई जाएंगी। और दोस्तों जल्द ही आपके होमगार्ड के पदों पर जो भर्तियां आने वाली हैं वो भी CET के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसी जानकारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।